अफिनिटी क्योंकि मैं संगीतकार हूँ, तो संगीत मेरा पहला प्यार है। और इस फिल्म रिलीज है 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी से पहले ही गाने मार्केट में आ जाएंगे, तो हम लोग मोर फैमिलियर हो जाएंगे एज अ फेस आप सबसे। आप अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे तो आपको एक पॉजिटिव आपकी एक सोच बनेगी ऑडियंस की हम लोगों के लिए। तो ये कारण था कि हम लोगों ने एक प्रमोशन के तौर पे कुछ गाने भी शुरू किए। मैम कांग्रेचुलेशन फॉर द फिल्म, काफी अच्छी लगी ये, ऐसा सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा है। परेशान थी कि पता नहीं ये कैरेक्टर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, जैसे आप लोग देख रहे हैं मुझे, मेरा वहाँ पे अलग ही अवतार है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इन्होंने मुझे बताया कि इजी लो, सब कुछ आसानी से होगा और हम कर जाएंगे। और जब आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने हर शॉट को, कोई ऐसा शॉट होगा 3 या 4 बार टेक लिए होंगे, बट एक या दो शॉट, एक ही दो टेक में हमने, मतलब सर ने मेरा फाइनल किया है कि नहीं, वाओ गुड। आपको ये फिल्म सर ने जैसा बताया कि इनका सॉन्ग जो है वो प्यार है, तो मैं सॉन्ग के लिए मिली थी सर को, बिकॉज सर ने बोला था मुझे किसी चीज से मिली थी, जिसने मुझे मिलाया था उसने यही बोला था कि एल्बम करना है। बट जब मैं सर को मिली तो सर ने मुझे बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा फिल्म है, और मुझे उसके लिए ऐसी लड़की लंबी चौड़ी और जो मतलब लगे आए तो लगे कि नहीं कुछ कमाल कर रही है। तो सर ने मुझे कहानी सुनाई पूरी, और हम कॉफी शॉप में ही बैठे हुए थे और वहाँ पे पूरी कहानी सुनाई, मुझे लगा कि नहीं ये कैरेक्टर थोड़ा अलग है, पता नहीं मैं उस टाइम पे जब मैं वहाँ से निकली तो मैं कन्फ्यूज थी मेरे ना, और सर ने भी बोला था कि देखो ये बहुत ही एक्टर के लिए बहुत ही अच्छा और टर्निंग पॉइंट होता है, जब हम स्टार्टिंग में एक्टिंग करके अपने आप को, एक्टिंग करके अपने आप को साबित करते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सर का कहीं ना कहीं उसमें एक फोर्स तो नहीं बोल सकते, बट बहुत बड़ा साथ रहा कि सर ने मुझे बताया कि मुझे भी लगा कि करना चाहिए और हमने किया और इतना आसानी से मजे में हमने कर दिया, पता ही नहीं चला। आपकी किरदार के बारे में जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा अभी, ये एक 1 नाइट की जर्नी है एक लड़की की, पूरी रात में उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं बीच बीच में, और कैसे कैसे लोग मिलते हैं। आप लोग ट्रेलर देख के तो आधा से ज्यादा समझ ही गए होंगे कि ये किस बेस पे फिल्म बनी हुई है, किस चीज के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसकी पूरी जर्नी दिखाई हुई है कि एक रात में उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, और एक मैसेज भी है इसमें कि आप समझ पाएंगे उनके कैरेक्टर को और उनकी रियलिटी को, कैमरा नीचे लो, कैसे इनकी लाइफ और कैसे कैमरा नीचे। अरे गाली गलौज देखिए, गाली गलौज जनरली है कि हम लोग जब खेल बाद ट्रेलर में सब कुछ दिखा देंगे, आप फिल्म से कैसे आप रूबरू होंगे आप देखिएगा। जनरली हम लोग जैसे घर पे रहते हैं या फिर आम कभी गुस्सा आ जाता है डायलॉग से ध्यान दिया हो तो कहते हैं कि भाई अपन के लिए तो बोली बोलती गाली नहीं है तो बोली है, तू क्यों शर्मा रहा है, और वो लड़का शर्मा रहा है उससे बोल गया, उसे जो गाली दी इंग्लिश में गाली दी उसको हिंदी बता देना, तो लेकिन बात ही तू क्यों शर्मा रहा है। तो बट फिल्म आप ओवरऑल जब देखिएगा तो मुझे स्किल भी दी ऑटो ड्राइविंग की, इसके अंदर मैंने ऑटो ड्राइवर का बुरे समय में काम आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म अद्भुत है और मैंने जब 4-5 दिन भैया के साथ बैठा और स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतना मोटिवेशनल है ये, तो मोटिवेशनल गुरु भी है और ये मोटिवेट करके मुझे बोले तुम कर लोगे, तो मैंने 13 दिन तक ऑटो सीखा, फिर जाकर के चलाना शुरू किया और चला करके अब फिल्म आप लोग चलाएंगे। बोलना चाहूंगी विशन सर को कि उन्होंने मुझे काम किया, इस फिल्म में अप्रोच किया, और मेरा फिल्म जो कैरेक्टर है वो कॉप का है,
इससे पहले आपने बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सपोप आपने नहीं देखी होगी, तो मेरे लिए बहुत ही ड्रीम एक प्रोजेक्ट था क्योंकि मैं पहले भी कॉप का कैरेक्टर करना चाहती थी और सर के थ्रू मुझे ये कैरेक्टर मिला तो बहुत अच्छा लगा। इसके आपने देखा आपका ये तो आप लोग बताइए। वो आ गया जी गाना भी गाना आप लोग बताएंगे मूवी देखेंगे तो फिर बताइए कैसा लगा। मेरे लिए तो 100% के हिसाब से कुछ सस्पेंस दिख रहा है 100 रुपीज से रिलेटेड, जिस तरीके से कॉस्ट्यूम मिल रही है आज, जैसे दुष्यंत भाई ने बताया इससे हरियाणा का कनेक्शन है हमारा थोड़ा सा यार बड़ा, जैसे इन्होंने बताया कि 2004 से इन्होंने सोचा था इस बारे में कोई प्रोजेक्ट अगर आपके दिमाग में होता तो इस तरह का बेबी, उन्होंने उस बेबी को बहुत अच्छे से पाला भी है पोसा भी और फिर उस पर वर्क किया है। तो आई होप एंड आई विशिंग ऑल द बेस्ट कि जिस तरीके से इन्होंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया और बहुत मेहनत लगन से पहला प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही जरूरी होता है और आदमी उस पर 100% देते हैं लाइक 100%। सो आई विशिंग ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस हिम और मूवी 100 bucks में 100 million कमाए तो माशा अल्लाह। जैसे पहला प्यार हो किसी का और पहला स्वागत एक जैसे ही होता है, जब मिलता है तो उसकी खुशी बिल्कुल अनिवार्य होती है, आप सबको व्यक्त नहीं कर सकते कि आपको कितनी खुशी होती है। बिल्कुल उसी तरह ये जो फिल्म सुशील जी का लोगों ने इसको जन्म दिया और एक तरह से पालन पोषण किया ऐसा सॉन्ग है तो वो आज पूरा हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, उतनी खुशी जितना सब लोगों का बहुत प्यार और स्नेह भी मिला है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी जाएगी फिल्म, बहुत हिट होगी और आप सब पैसे जो है हमारे साथ एज ए सिंगर दुष्यंत जी का म्यूजिक एल्बम है मेरा इश्क तो उस गाने के बाद आप सभी के लिए मौका।